हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपडेटेड चैनल बी स्मार्टी में। लर्न एवरीथिंग विद मी अब बी स्मार्टी हो गया है। क्या आपको पता है कि एक बेबी एक मिनट में कितनी बार अपनी आंखों को ब्लिंक करता है? हमारा दिमाग ऑक्सीजन के बिना कितनी देर तक जिंदा रह सकता है? अगर हमारे दिमाग के रिंकल्स को खोल दिया जाए तो वो कैसी दिखेगी? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर खींचा जाए तो वो कितनी लंबी हो सकती है? कोई बात नहीं दोस्त, आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं ऐसे कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आपके बॉडी से रिलेटेड है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। प्लीज़ आप कोई भी पार्ट को स्किप ना करें जिससे कि कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट छूट जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आँखों के अंदर मौजूद कॉर्निया हमारे शरीर का ऐसा पार्ट है जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। यह डायरेक्ट एयर से ही ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। हमारे बॉडी में इतना फैट होता है कि इससे हम 7 साबुन की पीसेस भी बना सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे बॉडी में हड्डियों की संख्या 300 से घटकर 200 से तक रह जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। इसमें इंटरेस्टिंग यह है कि हमारी 1/4 हड्डियाँ सिर्फ हमारे पैरों में ही पाई जाती हैं। एडल्ट के मुकाबले एक बेबी में 94 हड्डियाँ अधिक होती है। क्या आपको पता है हमारा हृदय हमारे शरीर के बाहर भी धड़क सकता है। हमारा ब्रेन ऑक्सीजन के बिना 5 से 10 मिनट तक तो जिंदा रह ही सकता है। कभी अगर ऐसा केस हो जब भुखमरी की समस्या एकदम चरम सीमा पर हो, तब हमारा दिमाग अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है। है ना डरावनी बात। और इससे रिलेटेड मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कम नींद लेते हैं ना, तब भी हमारा दिमाग कुछ ऐसा ही एक्ट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी हम सोते हैं तो हमारे दिमाग का फंक्शन ये होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको वो किल करता है, उनको वो रिलीज़ करता है। लेकिन जब हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं तो हमारा ब्रेन सही से वर्क नहीं कर पाता है और ये हमारे अपने ब्रेन को ही डैमेज करने लगता है। अगर आप अपने स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हिंदी में छोटी आंत भी कहते हैं, उसे बॉडी से निकाल कर लंबा किया जाए तो ये 23 फीट लंबी हो सकती है। क्या आपको पता है कि आप रात के मुकाबले सुबह ज़्यादा लंबे होते हैं। आप एक ही समय सांस लेने जैसी क्रिया और निगलने जैसी क्रिया को नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस नली से हम सांस लेते हैं उसको विंड पाइप कहते हैं और जिस नली से हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको फुट पाइप कहते हैं, और ये दोनों नलियाँ आपस में एक साथ मिली हुई हैं। तो एक बार में दोनों क्रियाएँ करने से खाने के हमारे गले में फंस जाने के कारण हमें घुटन जैसी बीमारी हो सकती है और इसके कारण हमारी मौत भी आ सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी किडनी की स्थिति बता सकते हैं, मीन्स वो किस पोजीशन में है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप बिल्कुल गलत हो जाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ये सोचेंगे कि हमारी किडनी बिल्कुल एक लेवल में है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी लेफ्ट किडनी हमारे राइट किडनी से थोड़ी सी ऊँची होती है। आपके नाक और कान शरीर के ऐसे दो भाग हैं जो ज़िंदगी भर बढ़ते रहते हैं। यदि किसी से तरह से दिमाग के रिंकल्स को खोल दिया जाए ना, तो ये एक पिल्लो केस के समान फ्लैट दिखेगा। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है। जी हाँ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में HCl कहते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे स्टोमक में पाई जाने वाली एसिड HCl ही है, और ये इतनी खतरनाक और स्ट्रॉन्ग है कि ये धातु को पिघला भी सकती है, मीन्स अपने अंदर डिसॉल्व भी कर सकती है। और अगर हमारा स्किन इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाए ना, तो ये इसे जला भी सकती है ना मज़ेदार। एक आम इंसान पूरे लाइफ टाइम में इतना सैलिवा यानी मुंह में पाया जाने वाला लार उत्पन्न करता है जिससे कि 2 स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं। जिस तरह सभी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का टंग प्रिंट भी यूनिक होता है।
एक मिनट में बेबीज केवल एक या दो बार ही अपनी आंखों को ब्लिंक करते हैं, है ना। हमारे जबड़े की मसल को पूरे बॉडी का सबसे स्ट्रांग मसल माना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अन्य प्रकार की वीडियोस पाने के लिए। और मैं जल्दी इसका पार्ट 2 भी लाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।